बीजेपी में सामिल हेले कांग्रेस हेवीवेट नेता तथा पूर्वतन केंद्रमंत्री जितिन प्रसाद। केंद्रमंत्री पीयूष गोयल आज जितिन प्रसाद को बीजेपी में सामिल कराइछन्ती। बीजेपी में सामिल होगा पूर्व जितिन प्रसाद केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बासभवन में पहुंची आलोचना करते। तेबे किछि दिन हेबो कांग्रेस दलर हाईकमान को उपरे संतुष्ट नथिले जितिन प्रसाद। से दल भितर चलिथिबा विभिन्न विशृंखला को नहीं हाईकमान को पाखरे अभियोग करथिले भी हाईकमान यहाँ पर कौन विचार करनथिले। अब यही कारण से आज बीजेपी में सामिल होता जनापड़ी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खूब निकटतर थे जितिन प्रसाद। से पूर्वतन मानव संबल विकास राष्ट्रमंत्री थे। मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में राष्ट्रमंत्री थे जितिन। दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद का पुआ जितिन राजीव गांधी और नरसिंह राव राजनीतिक परामर्शदाता थे। जितिन प्रसाद जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। जितिन प्रसाद जी ने बहुत ही छोटी आयु से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। मुझे अभी भी याद है, शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्ष की थी। मित्रों, बीजेपी में सामिल होती जितिन प्रसाद। पूर्वतन मानव संबल विकास राष्ट्रमंत्री थे जितिन प्रसाद। मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में से राष्ट्रमंत्री होवार दायित्व नहीं। यूपीए में दीर्घदिन रहिबा परे, कांग्रेस में दीर्घदिन रहिबा परे से आज बीजेपी में विधिवत सामिल होती। नवा दिल्ली बीजेपी कार्यालय में पद्म धरी जितिन प्रसाद। कहुचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बेस निकटतर थे जितिन प्रसाद, किंतु दल में चलता विशृंखला को नहीं से सामना को आणुते कौन कार्यानुष्ठान निथार विचार को निथार से आज कांग्रेस छाड़ी बीजेपी में सामिल होती। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे जीवन राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है।